जय हिंद दोस्तों, मैं उदय फौजी फिजिकल ट्रेन ग्वालियर से। आज का जो वीडियो है स्पेशल है साजन के लिए, जो अग्निवीर योजना के तहत मेरे क्लब का, मेरे फिजिकल एकेडमी का पहला बच्चा जो ज्वाइन लिया है वो साजन है, जो गोवा सिंगल भर्ती के अंदर इसने अपना सिलेक्शन लिया है और इसका सिलेक्शन हो चुका है और इसको 25 से 26 से दिसंबर के बीच में इसको अपने सेंटर में रिपोर्ट करनी है और इसके सिलेक्शन के लिए इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके मैं स्वागत करता हूं इसका। जीतो बेटा जीतो। क्या है कि बहुत खुशी होती क्योंकि बहुत समय से आर्मी की भर्ती रुकी हुई थी, बच्चे बहुत ज्यादा सिलेक्शन होने वाले हैं, बहुत बच्चे रिटर्न में बैठे हैं, बहुत बच्चों ने रिटर्न पेपर दे दिया है, लेकिन जो पहला बच्चा होता है जो आता है, एक बच्चा और पास हो चुका है, उसका मैं इंटरव्यू कल मैं डालूंगा, लेकिन आज के स्पेशल है साजन, जिसने जबलपुर से आया हुआ था और एक साल से कंटिन्यू ग्वालियर में रह रहा था और पहली खबर सुनाई जैसे ही कल मुझे खबर मिली। मैं साजन जल्दी जल्दी मेरे पास पहुंचना है आपको और मेरे पास ये आया, बहुत खुशी, बहुत दिन बाद क्या आर्मी की भर्ती हुई, उसमें पहला सिलेक्शन अग्निवीर का पहला सिलेक्शन साजन जबलपुर के लिए, तालियां बजाओ। हाँ साजन, ये बताओ तो आप यहाँ पर ग्वालियर यहाँ पर आप कैसे आए थे? सर मेरा दोस्त सर अविनाश यहाँ पे आ रहा था, उसके सहारे सर मैं भी यहाँ पे आया था। तो सर फिर उसको बता रहा था कि यहाँ पे ग्वालियर में अच्छी तैयारी होती है, वहाँ पे बढ़िया है, तो मेरे दोस्त ने बोला वहाँ मेरे साथ आ जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। तो सर मैं उसके साथ आया, तो सर मेरे को यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लगा सर, यहाँ पे अच्छे से व्यवस्था बहुत बढ़िया थी सर। और यहाँ पे कितनी फीस लगती है यहाँ पे आपकी? सर फीस तो सर वो आपकी तो सर बस 3,000 है, उसके बाद तो सर वो लाइफ टाइम रहती है, फिर सर हॉस्टल का किराया रहता है, अपना ही अपना रहता है, अलग से कुछ भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो अविनाश जब आया था इसके साथ का जबलपुर का लड़का यहाँ पर चलेंगे अविनाश जहाँ ट्रेनिंग करा था उसी के माध्यम से साजन यहाँ पर आया था। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग की जो फीस है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 3,000 रूपये टोटल एक वन टाइम फीस है, उसी में 3,000 में हम ड्रेस देते हैं, सब कुछ उसी में से देते हैं, एक्स्ट्रा हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। उसके बाद हॉस्टल चार्ज होता है, जो आप हॉस्टल में रहते हो, खाना वाना खाते हो, उसका रहने का उसका चार्ज होता है। चाहे तो आप सिविल में रह सकते हो, कोई मना ही यहाँ पर, अगर बच्चे चाहे इकट्ठे आते हैं, कहीं बाहर से दो चार बच्चे आते हैं, बाहर रूम लेके और अपने हाथ से खाना बना सकते हैं, वो बच्चे भी यहाँ रह सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया आपको, एक साल के अंदर हम यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, आपकी फिजिकल की ट्रेनिंग यहाँ पर हम कराते हैं और जब तक आप पास नहीं हो जाओ जब तक कि हम बिल्कुल रखते गारंटी रहते हैं कि आप बिल्कुल तैयारी करो। और कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को बहुत दिन हो गए हम लोग आपसे ट्रेनिंग में ध्यान नहीं देते हो? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होता सर, आपका सर एक एक बच्चे पे ध्यान रहता है सर, कि मतलब जो सबसे कमजोर बच्चा भी रहता है सर, सबसे ज्यादा ध्यान आपका उसी पे रहता है। तो यहाँ पर यह नहीं है कि यहाँ टॉपरों को दिखाया जाता है, यहाँ कमजोर बच्चे, कमजोर से कमजोर बच्चे को भी हम जब तक वो पास नहीं हो जाता, चाहे ऐसा नहीं होता कि ये घर में मैं कि बहुत दिन हो गए बच्चे ध्यान नहीं जाता, नहीं, हम जब तक वो पास नहीं होता। तो साजन जब यहाँ आप ग्वालियर आए थे तो अग्निवीर भर्ती से पहले आपने कोई भर्ती देखी थी क्या आपने? यस सर, दो तीन भर्तियां देखी थी सर, दो पेपर थे सर मेरे, वो सर वो फिर कैंसिल हो गया सर टीओडी के कारण, फिर सर मैंने उसके बाद फिर भर्तियां देखी सर ग्वालियर में आने के बाद सर मैं 5 भर्तियां निकाल चुका हूँ सर, 5ों में सर फिजिकल निकला है सर, फिजिकल कभी फेल नहीं हुआ सर। देखो यहाँ फिजिकल एकेडमी है तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब साजन 5 भर्ती देख चुका है और 5ों के 5ों भर्ती में इसने फिजिकल मेडिकल पास हो चुका है। अग्निवीर योजना से पहले आपने कितनी भर्ती देखी थी सर? अग्निवीर कितने पेपर थे आपके? सर 2 पेपर थे। उस टाइम जब पेपर कैंसिल हो गया तो आपको कैसा महसूस हुआ था? सर थोड़ा डीमोटिवेशन टाइप का लग रहा था 4 साल में अब ऐसा मतलब क्या होगा। तो सर फिर आपने फिर सर थोड़ा मोटिवेट किया, फिर सर मोटिवेट करने के बाद सर फिर आया सर, थोड़ी रनिंग खराब हो गई थी सर, उसके बाद दोबारा आपने मोटिवेट किया, दोबारा सर फिर उसके बाद रनिंग स्टार्ट करी, उसके बाद सर धीरे धीरे सर सब कुछ होने लगा सर, टाइमिंग भी आने लगी फिर अच्छी। तो ऐसा नहीं हुआ कभी रहता कि जो 4 साल के लिए आपके साथ तो बहुत सारे लड़के थे उन्होंने भर्ती देखी नहीं? तो सर फिर वो पछता रहे ना सर, वो उनको जब पता चलता है कि हो गया तो सर वो लोग बोलते हैं अरे यार मैं भी होता तो ऐसा होता। देखो जो लड़कों ने अग्निवीर योजना आई और उन्होंने भर्ती नहीं देखी और वो अब साजन के बारे में पता है पड़ता है, जो साजन का सिलेक्शन हो चुका है फाइनली। और ये खबर आपको कब मिली थी खबर आपको? सर कल ही मिली थी सर, कि मतलब कल सेंटर से कल शाम को साजन को खबर मिली थी और साजन के घर वालों का तुरंत मेरे पास फोन आया था, साजन का मेरे पास फोन आया और हमारा सिलेक्शन हो चुका है। तो बहुत खुशी की बात है कि अग्निवीर का पहला बंदा मेरा जो जा रहा है। सबसे बड़ी बात साजन ये बताइए यहाँ पर ट्रेनिंग कैसी होती है यहाँ पर? सर ट्रेनिंग तो सर यहाँ पे मेहनती लड़का तो सर यहाँ अच्छे से टिक जाएगा सर, क्योंकि सर ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड होती है सर, डंडे अंडे पड़ते हैं थोड़े, तो सर मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर सफलता चाहिए मेहनत करनी पड़ेगी सर। और यहाँ पे सफल होने के लिए क्या चाहिए आपको?
सर सफल होने के लिए सर आपको जो सर कुछ भी करके सर उसके पीछे सर पागल की तरह लग जाओ सर, चाहिए मतलब चाहिए, करना है मतलब करना है सर, कोई एक्सक्यूज नहीं, पाँव में दर्द हो रहा कुछ नहीं, करना है मतलब करना है। बहुत अच्छी साजन की बात है साजन, हमेशा ही हमेशा कहता हूँ और ये बात मैं पूरे सबको कहता हूँ, लक्ष्य के पीछे और टारगेट के पीछे ऐसे पड़ो पागलों की तरह कि वो मुझे लेना ही लेना आएगा और कोई नहीं, मुझे लेना लेना आएगा, ये ध्यान रखो हमेशा। और वही एक मिसाल है साजन जो एक साल हो गया है, एक साल के अंदर आप जबलपुर में कितने दिन रहे होंगे? सर जबलपुर में सर कम ही दिन के लिए जाता था, 2-3 दिन के लिए जाता था बस सर जबलपुर में, उसके बाद सर जाते समय तो यहीं पे रहा हूँ सर, दिवाली होली भी यहीं मनी है सर। मतलब कि कितने त्योहार आपने घर पे मम्मी पापा के घर मनाए? एक भी नहीं मनाया। मतलब बहुत बड़ी बात है कि एक साल हो गया, एक साल के अंदर इसने कोई सा भी त्योहार, जहां तक कि इस बार मेरी किसी कारणवश से क्या हुआ था कि लड़के तकरीबन सब चले गए थे और एक 2-3 लड़कों को छोड़ के सभी लड़के चले, दिवाली के दिन सब चले गए थे लेकिन साजन नहीं गया और इनके साथ के जबलपुर के जो लड़के थे वो चले गए थे। यस सर, वो जबलपुर के जो लड़के थे वो चले गए थे लेकिन साजन अकेला रह गया था, अकेला वर्कआउट कर रहा था। यस सर, अकेले वर्कआउट करता था सर। तो यही खासियत होती है, जिसको सफलता लेनी होती है वो बहाने नहीं बनाता है कि मुझे ये करना मुझे वो करना है, लेना तो लेना है, बस सफल होना तो होना ही है, नौकरी लेनी तो लेनी लेनी है। एक साल बर्बाद होनी कर, एक साल पूरी ट्रेनिंग में निकाली उसने और उसी का नतीजा है कि आज वो अग्निवीर का पहला सिपाही हमारी तरफ से बनने जा रहा है। और साजन जब यहाँ पर चलेंगे ये आप आए थे तो यहाँ पर आपको कैसा शुरुआत में आपको कैसा महसूस हो रहा था? शुरुआत में सर थोड़ी दिक्कत होती थी सर, क्योंकि सर शुरुआत में सर थोड़े पांव में दर्द दर्द हो जाता था सर। और आपकी शुरुआत में आपकी टाइमिंग क्या थी? आपकी शुरुआत में सर टाइमिंग सर बहुत खराब थी, इतनी खास नहीं थी, 6:36 सर टाइमिंग तो मतलब की साजन जब आए थे उसकी 6:36 की टाइमिंग थी इसकी। और उसके बाद और टाइमिंग तुरंत कितने दिन बाद आ गई आपकी? सर टाइमिंग सर फिर धीरे धीरे मेहनत की, एक महीने तो सर थोड़ा दर्द दर्द नहीं रहा, उसके बाद सर तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी टाइमिंग कटने लग गई, उसके बाद 6 आ गई, फिर 5.5, फिर उसके बाद और कम होती चली गई सर। फिर देखो शुरुआत देखो हमेशा ही हार्ड होती है, जब भी आप फिजिकल ट्रेनिंग करोगे तो फिजिकल ट्रेनिंग में शुरुआत का जो महीना होता है, पहला महीना होता है, उसमें आपको काफी दर्द आते हैं, आपकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं कमजोर होते हैं, इस कारण दर्द आते हैं। यही समय होता है बच्चा अपना दिल तोड़ देता है, वो कमजोर पड़ जाता है, या तो ट्रेनिंग करना बंद कर देता है, या लोग कहते हैं भगोड़ा हो जाता है, वो बोलता मुझे आर्मी में नहीं जाना आएगा। लेकिन 1600 मीटर को अगर आपको कंप्लीट करना है तो मेहनत करना पड़ेगी। यस सर, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यस मेहनत करना पड़ेगी, तो ये हमेशा ही ध्यान रखना। तो जब आपको अग्निवीर की जो उससे पहले जब आपको पेपर कैंसिल हो गया था, उसके बाद आपने फिर वापस तैयारी स्टार्ट करी और अभी आप कितने चलेंगे उसमें पास हुआ? सर अभी भी मेरे 2 पेपर है सर, एक का रिजल्ट आ गया उसमें सिलेक्शन हो गया, एक और पेपर है उससे पहले। देखो बहुत देखो ऐसा नहीं कि एक ही भर्ती देखी, साजन को कई मौके मिल रहे थे तो उसने मौकों को गवाया नहीं, हर मौके पे उसने अपना 100% दिया। और इस कारण से अग्निवीर भर्ती होने से पहले भी उसने 3 पेपर में पास कर रखे थे, 3 फिजिकल मेडिकल और 3 में इसका रिटर्न पेपर था, नहीं हो पाया, दोबारा फिर अग्निवीर आई तो 2 जगह से भर्ती देखी है, दोनों जगह पास। यस सर, दोनों जगह, दोनों मेडिकल पास। यस सर, दोनों जगह। और दोनों में रिटर्न में आपको तैयारी थी? यस सर, पहला रिटर्न दिया, पहले में सिलेक्शन हो गया। यस सर, नेक्स्ट रिटर्न है, दूसरा कब है आपको वैसे? सर 15 जनवरी को है सर। 15 जनवरी को जबलपुर सिग्नल सेंटर के अंदर इसका क्या है, दूसरा पेपर है, लेकिन क्या वो पेपर दे पाओगे आप? नहीं, अब देरी जुड़ती नहीं है। यस सर, आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो जब घर वालों को पता पड़ा कैसा लगा? सर घर वाले बहुत खुश थे सर, पापा सबसे ज्यादा खुश थे, पापा को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ, उसके बाद फिर मैंने बताया हाँ हो गया है, उसके बाद पापा खुश हो गए। और मम्मी? सर मम्मी तो खुश ही रहती है। मेन बात है कि पापा बहुत खुश थे, मम्मी तो देखो हमेशा ही खुश रहती है, बहुत अच्छी बात है और उनको घर वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका जो सिलेक्शन हो चुका है और आपको आर्मी की जो आपकी जर्नी है, आप उनको उसको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने आपके जो घर वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग करनी है। और लेकिन एक चीज विशेष कर ध्यान रखना है, जब तक आप सेंटर में जाते हो जब तक कोई मस्ती नहीं करना है, और जो बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं जब तक आप आर्मी की ज्वाइनिंग नहीं कर लेते हो, जब तक कोई भी आपकी मस्ती वस्ती कोई भी चीज जहाँ कर गाड़ियां बाइक चलाना पार्टियां करना बिल्कुल ना करें, कहीं अगर आपको चोट लग जाएगी, क्योंकि जब ये गोवा सेंटर में पहुंचेगा तो इसका क्या हुआ, एक मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद ही इनको पक्का माना जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना, अपने आपको सेफ रखना और आपको दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं, भारत माता की जय।